हाय एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ सोया कबाब की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। साथ ही यह बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसे सोया चंक से बनाया है। तो चलिए इसकी रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। तो सोया कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप सोयाबीन लिए हैं। अगर आप इसे वज़न में देखें तो ये 250 ग्राम है और मैंने यहाँ बड़े वाले चंक्स लिए हैं। आप चाहें तो छोटे वाले भी ले सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से बॉईल करके इसके सारे पानी अच्छे से निचोड़ लिए हैं। अब हमें यहाँ इन सभी को ग्राइंड करना है। तो मैंने यहाँ एक मिक्सी जार में सारे सोया चंक्स को डाल दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ लेंगे 1 मीडियम साइज़ के प्याज, जो मैंने कट करके ले लिए हैं। फिर साथ ही हम डालेंगे 3 हरी मिर्च, 12 लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक। और यहाँ आप मिर्च की क्वांटिटी कम या ज़्यादा खुद से कर सकते हैं। और साथ ही लेंगे 1/4 कप फ्रेश हरा धनिया, जिसे मैंने यहाँ तोड़ कर डाला है ताकि हमें इसे ग्राइंड करने में आसानी हो। और अब हमें यहाँ इन्हें अच्छे से एकदम बारीक सा ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ इसे एकदम बारीक पीस लिया है, आप देख सकते हैं। आप इसकी टेक्सचर को देख करके समझ सकते हैं ये कितना स्मूथ है। तो कबाब का जब भी हम मिक्सचर बनाएंगे तो एकदम बारीक से पीस लेंगे, यानी फाइन पीसेंगे हम इसे, ताकि जो हम इसे बनाएं और खाएं तो ये मुंह में मेल्ट हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, एक बड़े बाउल में हम सारे इस मिक्सचर को ट्रांसफ़र करेंगे और आगे हम इनमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 1 छोटी चम्मच नमक डाला है, 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। कबाब में थोड़े से खटास होते हैं तो उसके लिए हमने आमचूर पाउडर डाला है। फिर साथ ही डालेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे जो मसाले हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इन सभी को मिक्स करने के बाद हम लेंगे 1/4 कप बेसन। बेसन हम यहाँ बाइंडिंग के लिए लिए हैं और कबाब में बेसन के फ्लेवर भी काफ़ी अच्छे आते हैं, तो इन्हें भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो मैंने यहाँ इसे हाथों से मिक्स किया है। हाथों से मिक्स करने से क्या होता है, सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा मिक्सचर अब रेडी हो चुका है। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके हम कबाब बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। तो अब हम सबसे पहले हाथों पे तेल लगा लेंगे ताकि जब हम कबाब बनाएं तो हाथों पे चिपके ना। अब छोटे से पोर्शन को लेके हम इस पे हाथों पे रोल करेंगे और जैसे हम आलू की टिकिया बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह हम इसे शेप में बनाएंगे। तो इस पे क्रैक्स भी थोड़े बहुत होंगे तो कोई बात नहीं है, कबाब बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। तो देखिए, ऐसे हमें बना लेना है और इसी तरीके से हम सारे कबाब को बनाकर रेडी करेंगे। तो देखिए, मैंने दूसरा बॉल्स को लिया है और इसे अच्छे से रोल करके और इसे थोड़ा प्रेस करके ऐसे टिकिया के शेप देंगे। यहाँ आप चाहें तो अपने मन से भी इसकी शेप दे सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ एक स्टिक लिया है जो कि मार्केट में बहुत ही ईजी अवेलेबल होता है। तो इस स्टिक पे हम, जैसे आप बाहर में मार्केट में देखते हैं स्टिक में ऐसे कबाब लगाते हैं, उसी सेम तरीके से हम इस स्टिक में भी कबाब लगाकर इसकी एक अलग डिज़ाइन देंगे। तो देखिए, सारे कबाब यहाँ बनकर रेडी हैं। तो चलिए चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो मैंने गैस ऑन करके एक पैन चढ़ाया है और उसमें हल्का सा तेल से ब्रशिंग कर दिया है। कबाब बनाने में ज़्यादा तेल यूज़ नहीं होता है। अब हम एक एक करके सारे कबाब को पैन में डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नॉनस्टिक पैन लें, क्योंकि अगर आप आयरन के तवे पे बनाएंगे तो कबाब हमारा चिपक जाएगा
और ये डेलिकेट होने की वजह से सारे कबाब टूट जाएंगे। और यहाँ हमें लो फ्लेम पे पकाना है। अगर आप फ्लेम को मीडियम या फिर हाई कर देंगे तो ये कबाब जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो कबाब हमारा ड्राई ना हो उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। तो देखिए मुझे यहाँ इसे लो फ्लेम पे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम दूसरी तरफ पलट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसके कलर को ही देख करके समझ सकते हैं ये कितने अच्छे से पका है। और दूसरी साइड भी हम पलट कर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। फिर दूसरी साइड भी हम सब पे थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। तो देखिए मुझे यहाँ इसे पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसे दोबारा से हम पलट लेंगे और पलटने के बाद हम लास्ट में इस पे थोड़ा थोड़ा बटर लगाएंगे। बटर से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो लीजिए हमारा माउथ मेल्टिंग सोया कबाब बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। यहाँ मैंने इसे ग्रीन चटनी और कुछ प्याज के साथ सर्व किया है। अगर आपको ग्रीन चटनी की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लीज़ चेक करें। तो देखिए दिख रहे हैं ना ये सुपर टेस्टी एंड माउथ मेल्टिंग। तो जाइए आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइए। ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है, इसे बच्चे भी काफ़ी पसंद करेंगे। और आप इसे शाम के नाश्ते में एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें।